अस्सलाम वालेकुम, आई एम अतीक फ्रॉम एवन आटोज लाहौर। ट्योटा यारिस है, इसको हमने मॉडिफाई किया है, इसमें एक्सेसरीज इंस्टॉल की हैं। उमर भाई हमारे साथ हैं, उनका फीडबैक भी लेंगे। उससे पहले ये आपको दिखा दें, एंड्रॉयड सिस्टम है, ये इसके कैमरे का रिजल्ट है, बैक व्यू कैमरे का। ये आप देख सकते हैं फुल HD रिजल्ट है और ये मूविंग लाइन के साथ है। ये हमारी शॉप है एवन आटोज, रिम्पा प्लाजा मंटगोमरी रोड पे। इसमें कोशिश हुई है लेदराइट में, ओरिजिनल और अच्छे स्टफ में, प्लस इसमें हमने इसकी बोनट की साउंड प्रूफिंग और इसमें उमर भाई इंस्टॉल हुआ है। इसमें ट्रक की, अस्सलाम वालेकुम जी, उमर खान मेरा नाम है, मेरा फीडबैक भी दे दीजिएगा। हाँ, मैं थोड़ी सी डिटेल इसमें बता दूं कि ये रिम्पा प्लाजा है, मुझे भी इसकी इस मार्केट का पता नहीं था। मैं हमेशा मंटगोमरी भी आता होता था और मैंने बस सुना था कि जी कोई ऐसा प्लाजा है जहाँ पे बेसमेंट में जो है ना वो शॉप्स हैं और ऑटो जो है ना उसकी सारी चीजें एक्सेसरीज यहाँ पे मिलती हैं। तो मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ यहाँ पे, किसी किस्म का कोई पार्किंग का मुझे इशू नहीं आया, मुझे कोई एजेंट ने नहीं तंग किया, मुझे किसी बंदे ने नहीं आके कहा कि जी ये ले लें और वो ले लें, वो रबड़े लगवा लें और वो फलानी चीज लगवा लें। बड़े आराम से मुझे कुछ 4 घंटे हो गए हैं यहाँ पे बैठे हुए और सुकून से मेरा सारा काम हुआ है। इसमें मैंने LED ये एंड्रॉयड पैनल इंस्टॉल करवाया है, इसके अलावा मैंने ट्रंक मैट करवाया है, कोशिश करवाई है, बैक कैमरा बड़ा बेहतरीन है, इसका रिजल्ट आपने देखा है, बोनट की इंसुलेशन करवाई है और एक दो छोटी मोटी और चीजें थी जो कि मैंने करवाई हैं और बड़ी बेहतरीन है। ये अतीक भाई की बड़ी अच्छी इन्होंने गाइडेंस भी दी है चीज़ों के ऊपर, कुछ चीज़ें मुझे नहीं पता थी वो इन्होंने बताई हैं। और मैं रिकमेंड करूंगा एवन आटोज को भी कि आप लोग यहाँ पे आए, क्योंकि यहाँ पे आके आपका टाइम भी बड़ा इजीली गुजरता है, आपको पार्किंग का कोई मसला नहीं रहता, आपको आके ये नहीं टेंशन होती कि यार मुझे लोग आके तंग करेंगे और मैं करवाने कुछ आए और करवा के कुछ जाऊंगा, तो इस किस्म का मुझे कोई इशू नहीं आया। तो मेरी तरफ से ये हाईली रिकमेंडेड है, ये प्लाजा भी बहुत अच्छा है और एवन आटोज आप जरूर आए, विजिट करें और आई होप कि आप लोगों को भी जो है ना वो अच्छी गाइडेंस मिलेगी यहाँ से। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया अमर भाई, थैंक यू।